Delhi came for preconceptional counseling in clinic. And should I start? जी जी बिल्कुल जी मैम, आफ्टर माय इंट्रोडक्शन. लेकिन पहली बात ये कि आपने ग्रेविडा 4 पैरा 1 प्लस 2 बताया. पैरा 1 प्लस 2 मैम. ओके, पैरा 1 प्लस 2, ठीक है जी मैम. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेल्फ टू द पेशेंट, आई विल ग्रीट द पेशेंट एंड देन आई विल कंफर्म द डेमोग्राफिक्स ऑफ द पेशेंट. आई विल कंफर्म हर एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल स्टेटस. Then I will also confirm that what's her last menstrual period, was her cycle regular, and currently is she on any contraceptive method or not. Then I would like to ask that what does she know about her disease, and how does this disease, systemic lupus erythematosus, was diagnosed? What and what are the current medications she is on, and what was her last visit with her consultant regarding this disease? After that, I would like to explain her that what will be her effects of disease on the pregnancy, and what the disease and what will be the effects of the disease on pregnancy and the pregnancy on the disease. After that, I will inquire about her medications and would like to advise that if she is using non-steroidal anti-inflammatory drugs, then she should stop them because it causes infertility in majority of the patients. After that, ask the patient that ये बेटा आपकी साइड पे कुछ नेट में प्रॉब्लम है, क्या है कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज में? आवाज नहीं आ रही क्या मैडम? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है. मैं तो बिल्कुल साइलेंट है मैडम. अच्छा, पता नहीं, फिर चले कंटिन्यू करें. मैं अगर हेडफोन लगाए वो हटा दें, इसकी वजह से होता है आवाज आती. नहीं डॉक्टर, मैंने नहीं लगाया हुआ. Okay, then after that, I would like to perform some investigation to check for the disease activity. अच्छा, एक मिनट, मैं आपको यहीं रोकती हूँ. इसमें इन्वेस्टिगेशन से पहले आपने जो बाकी सारी उसकी हिस्ट्री ली है, उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक आउटकम आपने मेरा ख्याल नहीं बताया. मैंने जी मैडम, ऐसा ही है ना, किसी साइड पर डिस्टॉर्शन है शायद. हाँ, ये कुछ काफी ज्यादा मेरा ख्याल है, ये वॉइस बाकी सबको भी आ रही होगी. जी जी मैडम, मुझे भी आ रही है. ये भी ब्रेन अटैक क्या है, आई डोंट नो. डॉक्टर हिरा का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर दें. चलें जी मैडम. हाँ जी, तो इसमें आपने जो प्रीवियस उसका, क्योंकि शी इज पैरा वन प्लस टू, बट वी डोंट नो कि इसमें उसकी जो पैरा वन है वो अलाइव है नहीं अलाइव, क्या कोई प्री टर्म बर्थ तो नहीं थी, प्रिकॉशंस कब कैसे हुए, ये सारी चीजें, या फिर जो को मॉर्बिडिटीज हैं वो सारी, प्रेगनेंसी का जो है सारा टाइम पीरियड वो कैसा था, ये सब चीजें हैं जो मेंशन करने की जरूरत है. ओके मैडम, इससे आपको बेसिकली यू हैव टू असेस द सेवेरिटी ऑफ डिजीज. तो सेवेरिटी ऑफ डिजीज जो है वो क्लिनिकल पैरामीटर्स से स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे उसको फाइनली कंक्लूड करते हैं. ठीक है मैडम. दिस इज प्री कंसेप्शन, नॉट ओनली द काउंसलिंग बट प्री कंसेप्शन असेसमेंट एंड रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एज वेल. यस मैम, उसमें वो भी आप बता दीजिए. Thank you, ma'am. Ma'am, her. I would like to ask about her obstetric history, as she is para 1 plus 2. Her first delivery was at 34 weeks of gestation,
although it was a spontaneous vaginal delivery, but she landed in the hospital with increased blood pressure, and finally she was diagnosed with the preeclampsia and IUGR baby at 34 weeks. Then she had two miscarriages at 12 weeks of gestation and at 10 plus weeks of gestation. In both gestations, she had her ultrasound done at 7 to 8 weeks of gestation, in which the fetal heart activity was positive. But at 12 weeks, it was a 12 and 11 plus weeks, it was a missed miscarriage then. इसी में जो प्रेगनेंसी का जो सारा स्टेटस था, आपने फर्स्ट वन तो बता दिया, पैरा वन था 34 वीक्स पे, अलाइव एंड हेल्दी जी मैम. अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें हाइपरटेंशन डेवलप हुई, लेकिन इसके साथ आपने ये भी बताना है कि अब नॉन केस है एसएलई का फॉर हाउ मेनी इयर्स, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, ये भी आप इसमें बता दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, इसमें हम फिर एक केस के साथ चलेंगे. एक होता है कि केस सिनेरियो है, उसमें आप एक जनरल डिस्कशन करते हैं, एक है जो केस स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, यानी आपको केस के पर्टिकुलर्स पता होते हैं और आप फिर उस केस के मुताबिक आप इंडिविजुअलाइज्ड केयर से रिलेटेड होते हैं. जो जनरलाइज्ड होता है वो बेसिकली एक जनरल प्रिंसिपल्स पे चल रही होती है केस डिस्कशन. तो इसमें जो बाकी जो उसका एक तो हाइपरटेंशन था, लेकिन प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसका कितने इयर्स बैक था, एबॉर्शन कितने इयर्स या मंथ्स बैक हैं, लास्ट एबॉर्शन उसकी कब हुई, और इसमें जो इसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसमें उसके बाकी और कुछ मैनिफेस्टेशंस थी या नहीं थी, उसकी असेसमेंट क्या हुई, उसमें ड्रग्स उसको कौन कौन सी लेनी पड़ी, ये सारी चीजें, क्योंकि ये रिस्क स्कोरिंग है उस डिजीज की before she conceives for the fourth time. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, she is 28 years and she is married since 9 years. And ma'am, she had her first pregnancy and it was spontaneous conception after 2 years of her marriage. And during that, she was not diagnosed with SLE. She only had her blood pressure raised, for which she was, and she didn't had her proper antenatal visit as well. Then at 34 weeks, she landed in the hospital with raised BP. Finally, she was diagnosed with the preeclampsia and IUGR baby. And she was induced and we had a spontaneous vaginal, after induction, we had a SVD. Okay, so at the first pregnancy, she was not diagnosed to be having SLE. No, ma'am. Then, at the same year of her pregnancy, she delivered, she had a miscarriage at 11 plus weeks. The same year she delivered. After that, she was evaluated because of her, she had some generalized symptoms and she had the fatigue and this type of symptoms, very vague type of symptoms. Then her workup was done for which she was diagnosed with the SLE. But at the in the next year, she also had a miscarriage at 12 weeks. And in that week of gestation, she also had her fetal heart activity was positive at 7 to 8 weeks of scan. When the patient came to us, she was diagnosed with SLE since 3 to 4 years. And she was on HCQ and S-card. So she was told by the other doctors that whenever she would like to conceive the next time, she should consult a obstetrician for counseling, and then she should embark onto the next pregnancy. Okay. So when she came for the preconception counseling, she was already on HCQ and S-card. S-card, yes. Ma'am. Okay. ठीक है, चले आगे चले. मैम नाउ जो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि केस रिलेटेड वो 10 मिनट्स की डिस्कशन तो
है सो है, वो उसमें तो जाहिर है आपने फिर थोड़ा सा ब्रीफली यू हैव टू रन द केस, तो उसमें ब्रीफली आप थोड़ा सा करके बता रहे होते हो, लेकिन साथ के साथ ये टॉपिक डिस्कस भी हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये भी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स है. यस मैम, ठीक है. After that, when she is here with us with the preconceptional counseling, although her vitals are with us, blood pressure mainly, then we will review her medication. I told her that already she is on HCQ and Ascard. We will also advise her that she should not use NSAIDs. We will advise her that she should use folic acid 5 milligrams per day. After her medication, but at the moment she has not become pregnant yet. Yes, she ma'am. But for preconception counseling, what else comes in preconception assessment? Okay, ma'am. History evaluate ki. Okay, ma'am. Ma'am, then we will do her investigations. In investigations, we will like to check her cardiac status, respiratory status, renal status, and her hematological status. For the cardiac status, we should examine her, and on a safe side, we should have an echocardiogram with us. After that, we will do the respiratory examination. Is it a routine investigation in the evaluation of a disease process? No, madam, the routine investigations that are included, they are the basic health profile and the antibodies that we do and hematological investigation. But ma'am, what is written in the guidelines that we should also evaluate the patient for her cardiac status, because she was also on HCQ, but sometimes the patients are using the other medications like methotrexate or mycophenolate. So their cardiac status must be okay. मतलब ये सब चीजें तो हैं जो कि आप if and buts के साथ आप बता सकते हैं. But if the patient is on HCQ, what do you expect the effects to be on heart? या जिसके लिए आप echo करवाना जरूरी समझते हैं. और you will decide it yourself. Ma'am, for the evaluation, although we have to involve the multidisciplinary team. क्योंकि देखो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑलरेडी शी इज इन, बट शी कम टू एन ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर द फर्दर बेसिकली फॉर द फिटनेस टू एंटर इनटू प्रेगनेंसी. तो उसमें हमने ऑब्स्टेट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमडीटी का लफ्ज आप जरूर बोलोगे जो कि ऑलरेडी उसका चल ही रहा है, बट स्टिल आप इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो क्योंकि आपने देखो इसकी इसके रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं. Yes, what are the risk to the pregnancy if she becomes pregnant again? उसमें क्या क्या अब ये रिस्क कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं. उसमें जो डिफरेंट चीजें हैं ऑन क्लिनिकल हिस्ट्री या ऑन एग्जामिनेशन या ऑन इन्वेस्टिगेशन, उसके बेस पे फिर आप काउंसलिंग उसकी डिसाइड करोगे कि इसमें कितना को रिस्क है पेशेंट की प्रेगनेंसी को. ओके मैम, उसमें आपने डिसाइड करना है. तो उसमें जो आपने हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स बता दिए, आपने सारा एग्जामिनेशन कंप्लीट उसका कर लिया, और उसमें अगर आपको क्योंकि देखो एको एचसीक्यू के साथ बार दफा आप करते हैं इवन, लेकिन उसमें सबसे पहले तो ईसीजी आती है, एको बाद में आती है. इफ सम पॉजिटिव थिंग्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द ऑन ईसीजी और ईसीजी पे या पेशेंट कंप्लेन करे या ऑन एग्जामिनेशन, जो एचसीक्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो एरिथमियाज हो सकते हैं या प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल हो सकता है जो प्रोलॉन्ग्ड यूजर्स ऑफ एचसीक्यू होते हैं. तो ये उसके रेयर साइड इफेक्ट्स में से है, नॉट द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट. तो इसलिए उस सूरत में आप सबसे पहले तो ईसीजी करोगे, फिर उसके बाद एको को आप डायरेक्ट करोगे ना. ठीक मैम, राइट एज अ फर्स्ट ऑप्शन. So, ma'am, we can change this order that first of all, we will assess the renal function test because they are very important. जो बाकी टारगेट क्योंकि देखो SLE है, मल्टी ऑर्गन डिजीज तो है ही है, ऑटो इम्यून प्रोसेस है, मल्टी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है इंक्लूडिंग लिवर किडनीज एंड हार्ट इवन, या कोई भी स्किन भी हो सकती है, कोई भी टिश्यू हो सकता है. तो उसमें according to the clinical manifestations and on, according to your examination findings and according to the proposed side effects of the medicine she is taking, aapki investigation decide hoti hai. Ji ma'am.
यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसमें ये वाले साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, किसी में ल्यूकोपिनिया होगा, जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह जो पेशेंट वो ले रहे होते हैं, तो उनमें वो भी हमें सीबीसी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसलाइन हेल्थ प्रोफाइल को तो इंडिकेट करेंगे ही, बट टू जज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ड्रग्स शी इज यूजिंग एंड अबाउट the organ and to assess the organs which can be involved. और जरूरी नहीं कि उसकी हिस्ट्री हमें पेशेंट दे, लेकिन कुछ ऐसी organ involvement है जो बगैर हिस्ट्री के भी हमने उसके assess करने हैं, जैसे kidneys हैं। Yes. तो kidney में तो बहुत सारे liver ये renal function disturb होंगे, तब कहीं जाके उसके symptoms भी आना शुरू होते हैं। And similarly is the liver functions test. तो ये वो हैं जो आपने करवाने ही करवाने हैं। अलबत्ता इसी जी को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो एंड डायरेक्टेड एको इफ नीडेड। यस मैम। यस मैम, रीनल फंक्शन टेस्ट व्हिच इंक्लूड्स द यूरिया एंड द क्रिएटिनिन, देन वी विल आल्सो परफॉर्म द यूरिन डिपस्टिक फॉर द प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म द हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इंक्लूड द which include the antibody profile like antiphospholipid, anticardiolipin, lupus anticoagulant. It also includes anti-DS DNA, anti-Rho and anti-La antibodies, and her complement levels, which are C3 and C4. मैम, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन दैट मैम, जब इसमें एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडीज इफ दे आर पॉजिटिव व्हिच इज आल्सो नोन एज द शोग्रेन सिंड्रोम, देन वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग द कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक एंड क्यूटेनियस न्यूनेटल ल्यूपस क्यूटेनियस सिंड्रोम इन द न्यूनेट्स। सो योर सेकंड रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एबनॉर्मैलिटीज। यानी कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कराई, फिर उनपे जो एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट हुई हैं, वो फिर आप उसके बेस पे आप उसका रिस्क स्कोरिंग आपकी सेकेंडली उस पे बनेंगी। सो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, प्रीवियस हिस्ट्री थ्रोम्बोसिस भी आपको पूछनी चाहिए इसमें, जो आपने मेरा ख्याल है शायद नहीं पूछी। जी जी मैम, नहीं पूछी। थ्रोम्बोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और उसके बाद फिर आपने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करवाई उससे आपको डिजीज स्वेरिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो डिजीज स्वेरिटी फिर आती है उसके हिसाब से फिर आपकी काउंसलिंग उस पे बेस करेगी। ठीक है, ओके मैम। मैम, इसमें जो है ना, फिर हम जैसे आपने ऑर्डर बताया कि हम पहले इसमें जो है ना रीनल फंक्शंस, देन द आवर हीमेटोलॉजिकल, ये सारी जो बेसलाइन बेसिकली ये वो हैं जो कि आपने करवानी ही करवानी है, क्योंकि अब जितना ज्यादा एंटीबॉडीज इसमें हाई रिस्क एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, उतनी ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज्यादा होंगी, और उतनी ही ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होंगी, उतने ही फ्लेयर अप्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए उसको करवाए बगैर आप पेशेंट को उस तरह फैक्ट्स और फिगर्स में नहीं बता सकते कि इसमें कितने क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। मैम, इसमें हम कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो इवैल्यूएशन है वो बोलेंगे, जैसे आपने ईसीजी एको बताया, और जो मैम इसका अगर पेशेंट एचसीक्यू पे है तो इट इज ऑलवेज सेफ टू टेल अबाउट द ईसीजी। एचसीक्यू अगर लॉन्ग टर्म वो ले रही है तो उसका एक ये रेयर साइड इफेक्ट होता है। मैम, वो भी ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिकेशन। लंग फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, लंग फंक्शन टेस्ट में क्या आप उसमें देखो, ज्यादा से ज्यादा जो एक जो बाद दफा लॉन्ग टर्म एनसेड्स हैं या इवन एससीक्यू भी, उस पे ब्रोंकोस्पैज्म का रिस्क होता है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बट लंग फंक्शंस यू वांट टू असेस, इसमें पर्टिकुलर लंग फंक्शंस कौन से हैं जो आप असेस करना चाह रहे हैं? Ma'am, it's written that lung function test should be done after if the patient has symptoms for any restrictive activity. Yes, only if the patient has symptoms. Okay. अगर patient को symptoms नहीं है तो फिर क्यों? देखो, investigation की में कोई हजार investigations आ जाती हैं। आप हर investigation, ये जो हमने बताई है ना, ये हमने जरूरी करनी है, चाहे उसके symptoms हैं या नहीं है।
लेकिन अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे अगर उसकी सिम्टोमेटोलॉजी में ऐसी कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई तो फिर आप नहीं करवाओगे। इसी तरह से अगर पेशेंट एचसीक्यू ना ले रही हो और उसमें कोई सिम्टम्स भी ना हो, कोई एरिथमियाज के भी सिम्टम्स नहीं है, चेस्ट एग्जामिनेशन पे भी नहीं है, देन नो नीड टू असेस द कार्डियक स्टेटस। ओके मैम, ठीक है, फिर उसमें भी जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू इंडिविजुअलाइज इट, इंडिविजुअलाइज करो। अगर फर्ज किया आप एक जनरल केस के तौर पे भी इसको स्ट्रक्चर्ड वाइवा को लेकर चल रहे हो तो भी आप कार्डियक असेसमेंट या रेस्पिरेटरी असेसमेंट एज पर इंडिविजुअल केस, ये आप लफ्ज इसके साथ बोलोगे, एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एंड द साइंस, बस। ओके, ठीक है, सिर्फ इतना सा बोल देना। हाँ जी, आगे then we will explain the risk associated with the SLE to the patient that are associated with the pregnancy, which includes the miscarriages, intrauterine growth restriction, superimposed preeclampsia, and preterm delivery. And we will explain ठीक है, ओके, चलो कंटिन्यू करो। ओके मैम, after that we will ask the patient that has she understood up till now and does he want to ask some question, and then we'll provide her with the contact number and the pamphlet regarding the leaflet information about the SLE. So you will tell her that what are the anticipated complications, fetal and maternal complications both, yes, when she becomes pregnant. But what about the medication she is using right now? HCQ and SCARD, will continue yes. with it? Yes, ma'am. Actually, this HCQ and SCARD, these both medications are safe in pregnancy. So we will continue with these medications. And will HCQ, ab agar patient ne bataya ki HCQ aur SCARD le rahi hai, to iska kya matlab hai? Indirectly, iska kya matlab hai? यानी ऐसे क्यों हम किन केसेस में शुरू करते हैं, अगर पेशेंट ऑलरेडी उस ट्रीटमेंट पे है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं दूसरे तरीके से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि इसके रिस्क स्कोरिंग में ये चीज कितनी को अहम है कि वो पहले से ऐसे क्यों रेस्कार्ड ले रही है? मैम इसका मतलब ये हो सकता, मैम एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी डिजीज जो है वो वेल कंट्रोल्ड है, तभी वो जो है ना इन मेडिकेशंस पे है। उसकी डिजीज वेल कंट्रोल्ड है बट ऑन दिस मेडिसिन, बट व्हाई देयर वाज नीड टू स्टार्ट एचसीक्यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्या एज अ बेसलाइन एज अ फर्स्ट चॉइस टू कंट्रोल द डिजीज और टू कंट्रोल द फ्लेयर अप्स? ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। So yes. we will ask the patient about some flare-ups in the past. Yes, ma'am. पहली प्रेगनेंसी में तो पता नहीं था, लेकिन इसके बाद जो टाइम पीरियड उसका गुजरा, क्या उसमें कोई ऐसी exacerbations हुई? तो अगर वो flare-ups हुए, कहती है कि किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया या प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा हो गया या कुछ कोई thrombosis का इवेंट हो गया, तो फिर HCQ समझ में आता है। दिस विल राइज द रिस्क स्कोरिंग ऑफ द केस। यस मैम, ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो मेडिसिन वो ले रही है, क्योंकि बाद दफा पेशेंट एस्कार्ड ले रहा होता है, साथ उसको वो एनसीड्स ले रहा होता है, या बाद दफा क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के लिए वो स्टीरॉइड्स पे भी इवन होते हैं, यस मैम, या फिर जो है वो पेशेंट जो है उसको मेथोट्रेक्सेट पे भी होते हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हमें रीमॉडिफाई करना पड़ता है बिफोर द कंसेप्शन, तो इसमें हमें जो है वो जरूरत एज सच नहीं है कि हम इसको मॉडिफाई करें, बिकॉज इट इज सेफ टू कंटिन्यू थ्रू आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें दोनों मेडिसिन में एस्कार्ड इज बेसिकली लो डोज एस्पिरिन, तो उसमें एचसीक्यू जो है वो भी कोई कंजेंटल एबनॉर्मैलिटीज नहीं करता, और एस्कार्ड तो वैसे भी हम प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड में शुरू कर देते होते हैं, तो सिमिलरली एचसीक्यू शी इज ऑलरेडी इन, सो शी कैन कंटिन्यू विद इट। अब जो बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हैं जिनको हमें और जिनके ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ते हैं,
यानी वो वाली मेडिसिन जो कि बहुत ग्रेट प्रिकॉशन के साथ हम यूज कर सकते हैं, या वो वाली मेडिसिन जो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बट आउट ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी यूज्ड. सो जो प्री कंसेप्शन असेसमेंट है उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी. सो यू विल गिव अ कमेंट ऑन द मेडिसिन एज वेल कि मेडिसिन शी इज ऑलरेडी इन आर सेफ टू कंटिन्यू इन द प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड एंड देन टू कंटिन्यू इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो ये दोनों चीजें कंटिन्यू ये कर सकती है. चलें जी आगे चलें. ओके मैम. आफ्टर दैट अगर आप हमें थोड़ा सा एंटीबॉडीज का स्टेटस बता दें. सपोज देयर इज नथिंग आइडेंटिफाइड, नो एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाइड ऑन आरएफटीज एलएफटीज, या कोई किडनी फंक्शन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी प्रोफाइल, उसमें एंटीबॉडीज प्रोफाइल में क्या चीजें पॉजिटिव थी इसमें? मैम देन शी वाज लॉस्ट टू फॉलो अप एंड आफ्टर 6 टू 8 मंथ्स मे बी शी अराइव्ड इन द हॉस्पिटल विद हर 9 weeks of gestation with a positive heart activity and her antibody status was negative, but sorry, her lupus anticoagulant was positive. Okay, at that time. Yes, ma'am. Okay, ma'am, ma'am, she came with the investigations and also with the ultrasound on which she was having 9 weeks of gestation positive, okay. But her these labs were done after, without the conception. Okay. So lupus anticoagulant was positive and the rest of the antibodies were negative, is it so? Yes, ma'am. Okay. So hum isi case ko leke chalte hain jisme lupus anticoagulants is positive. Yes, ma'am. और बाकी सपोज के बाकी सारे टेस्ट जो हैं वो इसमें जो हैं वो नेगेटिव हो गए, ठीक है? यस मैम. तो इसमें बाकी C3 C4 लेवल सब ठीक थे मैम? चीजें ठीक थी मैम? ये इतने सारे उसने C3 C4 लेवल्स नहीं करवाए थे, बहुत सारे एंटीडीएस. ओके, वी अज्यूम इट टू बी नॉर्मल लेवल्स. ओके मैम, ठीक है. तो अब इसको इसको इस केस को इसी तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि अब इसकी अब मैनेजमेंट अब आपके पास आती है वो 9 वीक्स के बाद. एक्चुअली जो केस सिनेरियो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी जो केस सिनेरियोज रखे जाते हैं वो ज्यादातर ट्रू केसेस पे बेस होते हैं, यानी जो डिफरेंट एग्जामिनर्स ने जो एक्चुअली जो केस देखे होते हैं या मैनेज किए होते हैं वो उसी के ऊपर बेस किए जाते हैं. वो थ्योरेटिकल केसेस नहीं होते, वो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, ठीक है? तो अब ये ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट इज पॉजिटिव एंड 9 वीक्स प्रेगनेंसी, ठीक है? अब इसको लेके चले आगे. यस मैम, एट 9 वीक्स ऑफ गेस्टेशन शी केम टू अस, देन आफ्टर टेकिंग हर बेसिक हिस्ट्री वी शुड एडवाइस दैट we will ask that whether what medication she is taking. So he told that she is on HCQ, Ascard and folic acid at that time. So we saw her dating scan. After that, we will continue her pregnancy with involvement with the multidisciplinary team and senior obstetrician at 11 to 12 of weeks of gestation. At her each antenatal visit, we will check her blood pressures and we will do her dipstick for the proteinuria. And at 11 weeks, we'll perform her routine anti-scan and knuckle translucency scan. And at 20 weeks, we will perform her anomaly scan with vigilant blood pressure monitoring at home. And also at each antenatal visit, we will be checking her blood pressure and proteinuria. Then at 22 to 24 week of gestation, we will advise her with fetal echo. Sorry, ma'am, I missed low molecular weight heparin. We have to start that as well. Achha, theek hai. So, you will start, why you want to start with the low molecular weight heparin? Because, ma'am, she was having lupus anticoagulant positive. So, and she is also having SLE. And she had her 2 miscarriages and 1 the clinical and laboratory criteria fulfilled, so we must start her on the low molecular weight heparin. APLS. Now she is a case of APLS along with SLE. Yes, ma'am. जो तकरीबन 35-40% में combine होता है. जरूरी नहीं होता कि SLE के साथ APLS भी हो, लेकिन ये अब वो case है जो combined case है. APLS plus SLE. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. तो low molecular weight heparin अब कैसे शुरू करोगे?
and when you will start it? Ma'am, she came at 9 weeks. She was on Escort, so we will start her on the low molecular weight heparin the next day. In? According to her weight. Okay. According to weight ke hisab se, suppose she is of 60 kg. Yes, ma'am. So, kitna isko doge? 60 kg, 20 mg BID or 40 OD. 40 OD. ठीक है. वैसे जो यूजुअल जो होती है डोज वो 1 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे है. लेकिन ये जो पेशेंट जिसमें सिर्फ LA इज पॉजिटिव एंड नो अदर एबनॉर्मैलिटी आइडेंटिफाइड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, इसके अलावा कोई फ्लेयर अप्स की हिस्ट्री नहीं है और इसके अलावा कोई उसकी सिर्फ उसकी जो है कोमॉर्बिडिटीज की हिस्ट्री है प्रीवियसली, कोई थ्रोम्बोसिस की भी हिस्ट्री नहीं है. अगर फर्ज किया ये कोई डीवीटी की हिस्ट्री देती, थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री देती जो सबसे ज्यादा सजेस्टिव थी, टू स्टार्ट विद द लो मॉलिक्यूलर हेपरिन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट जो के बन जाती है थेराप्यूटिक डोज. थेराप्यूटिक डोज, यस मैम. थेराप्यूटिक डोज आप इसमें नहीं दोगे, आप इसमें प्रोफाइलेक्टिक डोज दोगे. प्रोफाइलेक्टिक डोज इसकी जो है हेपरिन जो अल्ट्रा फ्रैक्शन हेपरिन होती है वो, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कम होती है एज कम्पेयर टू थेराप्यूटिक डोज. ठीक है. तो इसमें आप जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की जो डोज है दैट इज 40 mg पर डे, इसको आपने देना. ठीक है. इसको आप डिवाइडेड डोजेस में भी दे सकते हो, एज अ सिंगल डोज पर डे भी दे सकते हो. तो वो जो है वो उसका उसको आपने प्रोफाइलेक्टिक डोज अलोंग विद एस्कॉर्ट. Then yes, if you start with the low molecular weight heparin, will you continue with the SCQ or not? Because now you are adding another medicine. Yes, ma'am. For the control of this lupus anticoagulant antibody syndrome. Yes, ma'am. Will you continue with SCQ? Yes, ma'am. We will continue. Kyun? So, ma'am, because her flares up are controlled on this medication. Because her SLE is already controlled on that. Yes, ma'am. ठीक है, ये है जो APLS एक additional जो उसके साथ है additional वो वाली चीज जो ज्यादा obstetric complication के साथ related है LA positive. लेकिन अब इसमें जो है वो suppose anticardiolipin antibodies are negative. तो क्या इसमें इसकी सिग्निफिकेंस ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट की फिर उस सूरत में, हालांकि वो एस्कॉर्ट भी ले रही है जी मैम, उसमें उसकी कितनी को सिग्निफिकेंस होगी उसकी पॉजिटिविटी की ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट? देखो जो इंटरप्रेटेशन ऑफ एंटीबॉडीज है ना इसमें SLE में या APLS में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज वेरी ट्रिकी क्योंकि ये एक जो है वो एंटीकोएगुलेंट में ये आता है एस्कॉर्ट. ठीक है, माइल्ड एंटीकोएगुलेंट्स में आता है और स्पेसिफिक जो उसका बन जाता है वो एंटी फैक्टर 10 जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में आ जाता है. तो उसके साथ LA की पॉजिटिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है और क्या खाली LA का पॉजिटिव होना सिग्निफिकेंट है व्हाइल ACL यानी एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज आर नेगेटिव? मैम सिग्निफिकेंट तो है लेकिन एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज दे आर मोर सिग्निफिकेंट एंड रिलायबल. एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, यस मैम. पर ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट अगर पॉजिटिव हो तो मैम हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी हैव टू ट्रीट. लेकिन LA का पॉजिटिव आना आपकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट करता है. ठीक है. क्योंकि देखो जहाँ पे एंटी कार्डियोलाइपिन अब बेसिकली हम कॉम्बिनेशन में करते हैं, अब ये इसने करवाया हुआ है पहले का व्हेन शी वाज आउट ऑफ प्रेगनेंसी तो उसमें एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडी नेगेटिव आया था. यस मैम. ठीक है. और जबकि LA इसका पॉजिटिव आया अकॉर्डिंग टू यू. यस मैम. ACL और LA अमूमन कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव होते हैं और हमेशा चूंकि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वेरिएबल होती है और ये थोड़ा सा प्रेगनेंसी में भी ये लेवल्स कम होने के चांसेस होते हैं, बट रिव्यूइंग द केस टू बी ऑफ SLE एंड विद द बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री एंड विद द LA पॉजिटिव इवन माइल्ड इन टाइटर
यानी अगर उसका टाइटर कम भी है स्टिल इट विल बी सिग्निफिकेंट एंड इट विल बी सिग्निफिकेंट इवन इफ ACL इज नेगेटिव. सो ट्रीटमेंट आपने उसकी शुरू कर देनी है. ओके मैम. क्योंकि LA उसको ज्यादा सिग्निफाई करता है थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस को. ओके मैम. और दूसरी चीज जो ये है कि क्या एंटीबॉडीज के लेवल पे फर्क पड़ता है HCQ से? एंटीबॉडीज के लेवल पे नो मैम. सिर्फ एंटीकोएगुलेंट जो है वो किसी हद तक LA को करता है, ACL को वो भी नहीं करता. यानी एंटीकोएगुलेंट जो है वो LA को किसी हद तक माइल्ड उसमें यानी थोड़ा सा उसका डिक्रीज कर सकते हैं लेवल, लेकिन ACL जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है उसको लेवल को इफेक्ट नहीं करता. मोर ओवर इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो यूजुअली आपके जेहन में भी कंफ्यूजन कर सकती हैं. और जैसे LA पॉजिटिव, सपोज ये पेशेंट SLE का केस ना होता, ये वैसे ही फॉर द फर्स्ट टाइम आती जो अनएक्सप्लोर्ड है और इसी हिस्ट्री के साथ होती, और फर्स्ट टाइम आपके पास आई है कि ये बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री है और हाइपरटेंशन भी हुई और इस तरह से सब चीजें, और उसमें आप फर्स्ट टाइम ये करवा रहे होते हैं और उसमें ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट पॉजिटिव आ जाता और ACL फिर भी नेगेटिव होता, तो फिर आप क्या करते हैं? Lupus anticoagulant positive and ACL negative. Ma'am, we will start her on S-card. You have the previous bad obstetric history and she is not a non-case of SLE. Ye hum ek assume kar rahe hain as a side case. Yes, ma'am. Just to clear your concepts. Okay, ma'am. Ma'am, with this history and with the laboratory criteria of lupus anticoagulant positive, still she stands at the criteria of, she fulfills the criteria of APLS. So we will start on ASCAD plus low molecular weight heparin prophylactic dose. Okay, ठीक है, उसको हम start कर देंगे. जी मैम. अब इसमें जो basically जो recommended भी है वो यही है कि अगर एक test positive आ जाता है in the first trimester, जैसे 9 weeks पे ये आ गई, first trimester में LA positive आ जाता है, तो फिर आपने right away उसको शुरू कर देना है ASCAD भी और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी. क्योंकि हम अमूमन जो ये करते हैं जो कि इसमें ये कि 12 हफ्ते के बाद हम 8 से 12, ज्यादातर तो 12 हफ्ते ही होते हैं, कि उसके बाद हम दोबारा लेवल्स रिपीट करें. लेकिन प्रेगनेंसी में ये चीज थोड़ी सी आउट ऑफ द वे हो जाती है. यानी प्रेगनेंसी में इस हिस्ट्री के साथ अगर उसका LA पॉजिटिव आ गया एट द फर्स्ट स्टेप तो आप शुरू कर दें, उसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अब ठीक है, इसमें उसके वेरिएबल्स होते हैं, यानी फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव के साथ भी अगर LA पॉजिटिव आ जाता है, इट परसिस्ट फॉर टाइम, इट कैन अफेक्ट द एम्ब्रियो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. चाहे वो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि ड्यू टू अदर सोर्सेज, नॉट ड्यू टू एज एन ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, फिर भी आपने इस पे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और ASCAD लोपरिन शुरू कर देनी है. ओके. उसमें रिकमेंडेड यही है कि आप उसको रिपीट ना करें, वरना इससे पहले हम हमेशा यही कहते और समझते थे कि इसको हमने रिपीट करना, लेकिन इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आपने जो ट्रीटमेंट है वो राइट नाउ शुरू कर देनी है, क्योंकि ये जो LA ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन को रोकेंगी. ओके. ठीक है, तो इस वजह से ये एम्ब्रियो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विल बी अफेक्टेड, और खास तौर पे उस सूरत में जबकि उसकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी है, जिसमें ये हमारा ज्यादा जो शुबा है ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये APLS का केस ही है. नाउ कमिंग बैक टू द केस अगेन, ठीक है, हमने इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन शुरू कर दिया, ASCAD शुरू कर दिया, HCQ कंटिन्यू किया और के फॉलिक एसिड दे रही है. Yes, ma'am. Ma'am, now she has been on 22 weeks and we have done with the fetal echo, which is normal. After that, on each antenatal visit, we will be screening her for her proteinuria, white blood pressure, and we will ask for any signs and symptoms of the flare up. After that, at 26 to 28 weeks, we will perform her glucose tolerance test. Usually, after that, we will perform her fetal growth scan, which includes fetal biometry,
एस्टिमेटेड यही जो 18 to 20 वीक्स है उस पर फीटल एको के साथ साथ आप बाकी सारे लैब्स के टेस्ट भी करवाओगे, क्योंकि देखो जो जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना उनकी मॉनिटरिंग आपने करनी है, और ये कॉम्प्लिकेशंस में जाहिर है फीटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, मटर्नल इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो फीटल इफेक्ट्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड हमारे लिए हेल्पफुल होगा टाइम टू टाइम, एनोमलीज भी और उसका डॉपलर फ्लो भी और उसका ग्रोथ स्कैन भी और IUGR को डिटेक्ट करने के लिए, ये सब चीजें। और इसके अलावा जो उसकी जो मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस है, मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस में जो भी टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शंस हैं जो हो सकते हैं, इसमें फ्लेयर अप प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं, तो फ्लेयर अप्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम दोनों ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें ये ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसमें हमें टाइम टू टाइम एट ईच विजिट वी हैव टू डू इट, यूजुअली मंथली इंटरवल पे, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन। सो उसमें जो है वो आपने ये उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है या कम कर देनी है, वो उस पर आप डिसाइड करोगे। Yes, madam, I want to ask a question here that, ma'am, इसमें ये लिखा कि अगर जो है ना आपके पास फ्लेयर, आपको साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लेयर मिलते हैं तब आप उसका जो है ना NTDS DNA लेवल आपने एक तो बेसलाइन करवाया हुआ होता है, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स भी आपने बेसलाइन आप जरूर रिपीट करवाएं, क्योंकि देखो जो राइजिंग टाइटर्स हैं और खास तौर पे जो IgG लेवल्स होते हैं, नॉट IgM, अब जाहिर है एक दफा बन गए तो वो IgG ही उसका टाइटर ज्यादा बढ़ेगा, तो IgG के जो NT-ANA या डबल स्ट्रैंडेड DNA ये लेवल और C3-C4 का लेवल का कम होना, नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये 10-30% में बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ये कम हो रहे हों या एंटीबॉडीज लेवल जो हैं वो उसके बढ़ रहे हों, एंटीबॉडीज लेवल बढ़ रहे हों और C3-C4 कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये फ्लेयर अप के साथ एक होती है एसोसिएशन इसकी, तो उस सूरत में फिर आपने उसकी उसको फिर आपने क्योंकि आपने फिर डिसाइड करना है टू स्टार्ट विद द अदर मेडिकल ऑप्शंस, कि अगर बाबा जो दिन सारी चीजों के जो तीन मेडिसिन हम दे रहे हैं SCQS कार्ड लो मॉलिक्युलर वेट हेपरिन, तो उसके साथ अगर फ्लेयर अप फिर भी हो रहा है तो फिर आपने जो है वो दूसरी मेडिसिन पे आ जाना होता है जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होते हैं। यस मैम। इसके अलावा स्टीरॉइड्स भी। मॉनिटरिंग बट शी केम टू अस एट 34 वीक्स ऑन विच वी एडवाइज हर अल्ट्रासाउंड स्कैन and she came to us then at 36 weeks again with her ultrasound scan which shows the discrepancy of 3 weeks and mild placental insufficiency. So and what about the maternal condition, matlab IUGR phir iska matlab hai uska ho gaya? Yes ma'am. Theek hai, and what about the maternal condition, what about the condition of the disease itself? Yes, ma'am. Because after 28 weeks, she came at 34 weeks. So between that, she didn't produce any home blood pressure monitoring. Although at antenatal visits, her the visits she has done with us, her blood pressure remained normal. Her we didn't perform any labs at 20 weeks, ma'am, which you are saying that we have to do the complement levels, but no labs were performed there. Then all of these labs were repeated at 34 weeks of gestation, which include her renal function test. So at that visit, aapne fetal status ko monitor kiya, maternal status ko monitor kiya by doing all investigations, aur SLE status ko monitor kiya. Yes, ma'am. SLE status को मॉनिटर हम करेंगे, एक तो बाकी सारे लैब टेस्ट जो हम ऑर्गन फंक्शंस को असेस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन SLE स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए आपने उसका एंटीबॉडीज लेवल और कॉम्प्लीमेंट लेवल ये चीजें देखी, ठीक है, SLE स्टेटस आपको उससे पता चलता है, ठीक है। फिर इसमें उसका IUGR फिर हो गया और उसके बाद बाकी मैटरनल असेसमेंट ठीक थी ma'am, her blood pressure was in the OPD when she came, it was 130/90, then we admitted her in the hospital and her BP charting was around 140/90, 140/100, then she was shifted
on to the antihypertensive labetalol 100 mg BID. It was the management that was done in the low resource or medium resource setting. There was no complement level and anti-DS-DNA levels were performed again. But ma'am, we have in exam, we have to tell what is the gold standard. So ma'am, this was the case that we at 36 week, there was mild placental insufficiency. Patient was already lost to follow up. She was turning into pregnancy-induced hypertension and preeclampsia as well. So we decided to induce her at 37 weeks. It was a planned induction. But other than this case, ma'am, if we are as you advise that we have to do at 20 weeks, we have to perform all the labs, then we have to monitor the maternal and the fetal status. By maternal, so in exam, we have to tell like that we have to do this. उसमें आपने तीन चीजें बतानी है कि आप जो trimester wise चीजें बताते हो, जो कि कम से कम monthly interval पे तो उसका visit होता ही है. लेकिन ज्यादा ज्यादा ये अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो पेशेंट का या डिजीज सेवेरिटी ज्यादा है तो आप उस उसमें फिर फोर वीकली इंटरवल पे आप पेशेंट विजिट नहीं करता, वो फिर ज्यादा मे बी वीकली और मे बी टू वीकली. यस मैम, इसलिए जो है वो आपने उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज करना. आप इसमें जो आपने बताना होता है, जो बेसिकली जो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो ये कि फीटल स्टेटस को आपने मॉनिटर करना है या फीटल कॉम्प्लिकेशंस को जो एंटीसिपेट आप कर रहे हैं उसको मॉनिटर आपने करना. फिर उसके बाद जो एसएलई और एपीएलएस दोनों हैं इसमें, तो इसमें जो मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो दोनों को मॉनिटर करना है. यानी मेटर्नल स्टेटस आप बेसिकली करोगे, ऑब्स्टेट्रिक में तो वो आ जाएगा एक तो हाइपरटेंशन, प्री टर्म लेबर और ये सारी चीजें हैं जो आ जाएंगी, आईयूजीआर, आईयूडी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ये सारा उसके हिसाब से आपने चलना है. फिर तीसरी चीज ये है एसएलई स्टेटस, जो क्रॉनिक इसकी डिजीज चल रही है ऑलरेडी. एसएलई स्टेटस को आप हमेशा आइडेंटिफाई करते हो क्योंकि मेटर्नल स्टेटस तो आपने ऑर्गन एंड ऑर्गन फंक्शन के साथ कर लिया, तो विच विल बी इन पार्ट टेल यू अबाउट द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज. बट स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट द एसएलई स्टेटस, यू विल मॉनिटर एंटीबॉडी स्टेटस एंड द कॉम्प्लीमेंट स्टेटस. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है आपकी मैनेजमेंट. उन तीन चीजों को ही आपने लेके चलना है. ठीक है, और इसमें डेफिनेटली जो सारी चीजें, और चौथी चीज जो होती है वो ये होती है जो ड्रग यूज कर रहे हैं ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करना. अब इसमें अगर सिनेरियो एक ऐसा होता है कि उसमें डिजीज क्लियर अप आ जाता है, क्योंकि ये तो थी एक बेस लाइन मेडिसन, तो उसमें जो सेकेंड लाइन ऑप्शन है वो फिर आपकी क्या आएंगी. पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन एस्कॉर्ट ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड शी हैज कंटिन्यूड एचसीक्यू. उनको हम नहीं डिस्कस करते, बट स्पेसिफिकली अबाउट व्हेन द पेशेंट हैज स्टार्टेड, एक तो प्रोटीन यूरिया उसका आना शुरू हो जाता है और हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, ये सब चीजें ये भी फ्लेयर अप को इंडिकेट करती हैं क्योंकि डिजीज कंट्रोल से ये हट गई. फिर उस सूरत में आप इसमें क्या चीजें एड कर सकते हो एज अ सेफ ऑप्शन. Ma'am, if the patient is the sole case of SLE and she is having the symptoms of flare-up, then we will add the low molecular weight heparin and steroids. Which is steroid? Ma'am, prednisolone. Prednisolone ke ilawa aur kaun se steroids hote hain? Ma'am, azathioprine is a steroid. Nahin, wo toh immunosuppressive hai. Ma'am, it's a immunosuppressant. Ma'am, prednisolone and dexbetamethasone. इनमें फर्क क्या है? And ma'am, yes, somebody has written a hydrocortisone. Ma'am, prednisolone is basically it's a tablet form and hydrocortisone is high dose injectable form. ठीक है. और इसके अलावा भी कोई फर्क है कि एक oral form में और एक tablet form में है? मैम, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बेसिकली प्रेडनिसोलोन ही होता है. अच्छा, तो क्या इसके अलावा भी कोई फर्क है कि एक इंजेक्शन फॉर्म में है? क्योंकि देखो, बाज दफा ऐसा भी होता है कि जहां कभी कभी ये भी ऑप्शन आती है कि आप हफ्ते में एक दफा डेक्सामेथासोन लगा दो, लेकिन उसकी उसकी ऑप्शन बहुत कम केसेस में होती है.
और वो एक स्पेशल इंडिकेशन होती है उसकी. लेकिन जो उसका इंजेक्टेबल और ओरल में के फर्क के अलावा और क्या फर्क होता है? Why we preferably use prednisolone और dexamethasone किन केसेस में करते हैं? और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जब पेशेंट हम उस पे स्टीरॉइड्स पे डाल देते हैं प्रेडनिसोलोन पे, और अगर पेशेंट में प्रीटर्म बर्थ के चांसेस हैं, आयाट्रोजेनिक है या स्पॉन्टेनियस है, दोनों सूरतों में, तो क्या हमें एडिशनल डेक्सा कवर देने की जरूरत होगी जो पेशेंट फिजिकली ले रहा है स्टीरॉइड्स? मैम आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या फर्क है और किस चीज में ये यूज करते हैं, सॉरी इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. लेकिन मैम जो सेकंड क्वेश्चन आपके पूछ रही है कि उसमें डेक्सा एडिशनल हमें देने की जरूरत नहीं होती है मैम, और उसमें हम जो है ना मॉनिटरिंग करते हैं इसकी, शुगर मॉनिटरिंग करते होते हैं साथ व्हेन वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन. तो आपकी रूटीन मॉनिटरिंग में भी आएगा ना ब्लड शुगर प्रोफाइल, ये तो रूटीन के मॉनिटरिंग में भी आएगा. अब इसका जवाब, पहला क्वेश्चन के इनमें डिफरेंस क्या है, प्रेडनिसोलोन और जो बाकी उसके बेसिकली जो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन है, ये एक रिफाइंड फॉर्म है प्रेडनिसोलोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स के, ठीक है. और ये प्रेडनिसोलोन बेसिकली एक कह सकते हैं कि वो है जो कि ज्यादातर पेशेंट्स को मैटरनल इफेक्ट्स के लिए दिया जाता है, बिकॉज दिस इज मेटाबोलाइज्ड इन द प्लेसेंटा. उसमें एंजाइम्स ऐसी होती हैं कि ये प्रेडनिसोलोन जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है अप टू 80-90%, सिर्फ 10% क्रॉस करता है. तो उसमें बेसिकली एक क्लोरीन कंपाउंड होता है जो प्रेडनिसोलोन में नहीं होता लेकिन डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन में होता है, इसी वजह से उनको फ्लोरिनेटेड स्टीरॉइड्स कहा जाता है. तो इस फ्लोरीन कंपाउंड के ऐड होने की वजह से जो उसकी मेटाबॉलिज्म है बाय द प्लेसेंटा वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है. यानी यूं समझें कि 10% जो है वो सिर्फ मेटाबोलाइज होगा, बाकी सारा बच्चे को जाएगा सीधा. तो यही वजह है कि अगर हमने मेटर्नल इफेक्ट्स को कंट्रोल करना है लाइक फ्लेयर अप्स या कोई उसमें वर्सनिंग हो रही है, तो उस सूरत में आप प्रेडनिसोलोन दोगे. लेकिन प्रेडनिसोलोन के भी जाहिर है 10% भी क्रॉस करेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या बाकी ऑनवर्ड भी, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, दो रेयर. तो ये जो है ये फिर आपने देना है मैक्सिमम भी अप टू 20 मिलीग्राम पर डे, ठीक है. अमूमन ये 10 तक की लिमिट में रखा जाता है, यानी 5 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम. अब जो दूसरी तरफ जो बीटा मेथासोन और डेक्सा मेथासोन है, ये तकरीबन 90% अवेलेबल होता है टू द बेबी. तो ये हम उस सूरत में देते हैं जो मैं अभी बात कर रही थी कि बाज दफा हम 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर वीक में एक दफा भी देते हैं कुछ पेशेंट्स को. ये उन पेशेंट्स में देते हैं जिसमें बच्चे में कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स होने के चांसेस होते हैं, जब जिसमें जो एंटी आर ओ पॉजिटिव हों उनमें कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम फिर खाली प्रेडनिसोलोन से काम नहीं चला सकते. वहां पे उसका एक तरीका ये भी होता है कंजेंटल हार्ट ब्लॉक से बचाने के लिए कि हम इसको हफ्ते में एक दफा 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन लगा दें. लेकिन अब जो दूसरा मेरा सवाल था कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म प्रेडनिसोलोन पे है, बहुत सारे केसेस में इसके अलावा भी SLE के अलावा भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो क्रॉनिकली स्टीरॉइड्स पे होते हैं, तो जैसे ITP वगैरह में, ITP के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे रखना पड़ता है, अदरवाइज पार्ट टाइम ट्रीटमेंट भी काफी होती है लेकिन कुछ में हमें रखना पड़ता है. तो जहां पे पेशेंट प्रेडनिसोलोन ले रहा होता है फॉर लॉन्ग टर्म और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इन एनी केस शी इज प्री डिस्पोज्ड टू गो इनटू प्री टर्म लेबर ईदर स्पॉन्टेनियसली और आयाट्रोजेनिकली वी हैव टू डिलीवर द बेबी प्री टर्म, वहां पे एडिशनल कवर डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का देना एडवाइजेबल होता है. क्योंकि ये जो प्रेडनिसोलोन हम देते हैं ये चूंकि प्लेसेंटा को उस एडिक्वेट अमाउंट में क्रॉस नहीं कर रहा होता, ये वो फीटल लंग मैच्योरिटी को एनहेंस करने में उसका इफेक्ट मिनिमम होता है. इसी वजह से उस इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम वो स्टीरॉइड देंगे जो कि बच्चे को ज्यादा उसमें परसेंटेज में पहुंच रहे, ठीक है.
तो ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है, और अक्सर बार दफा पूछ भी लिया जाता है क्योंकि ये जाहिर एक कॉमन चीज है जो कि बार दफा एनकाउंटर करनी होती है। चले जी, अब इसमें अब ये तो था पेशेंट जिसकी आपने हमें एंटीनेटल केयर बता दी और उसके बाद इसको इंडक्शन दी। अब ये जो पेशेंट है इसको आपने इंडक्शन की 37 वीक्स पे, एंड व्हाइल शी वाज ऑन एचसीक्यूएस कार्ड और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, हाउ यू विल मैनेज दैट? मैम वी विल यस मैम, वी विल स्टॉप हर एस कार्ड 12 hours before we admit her in the hospital, but her hours before आप करोगे? अच्छा, low molecular weight heparin मैम, उसको 12 hours before उसको stop कर देंगे, ठीक है? But escard was continued. What is escard? Low dose aspirin मैम. हाँ, low dose aspirin, and aspirin का effect minimum कब तक रहता है और इसका effect होता क्या है? ये कैसे ब्लड थिनर के रूप में हम यूज करते हैं, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसका एंटीडोट क्या है, और इसको इसको जो है वो इसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? मैम लो डोज एस्पिरिन बेसिकली इट्स एंटी प्लेटलेट एजेंट नहीं, ये एंटी प्लेटलेट एजेंट नहीं है। एंटी प्लेटलेट एजेंट जो होते हैं, जो प्लेटलेट एंड बेसिकली जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स कम नहीं करता। दो अगर चीज का ये इफेक्ट देखा जाता है, ये प्लेटलेट डिसफंक्शन करता है। ओके मैम, यानी उसकी एडहेसिवनेस को कम कर देगा, तो इस वजह से ये ब्लड थिनर, यानी जो प्राइमरी एक हमारा क्लॉटिंग सिस्टम में एक जो प्राइमरी स्टेप होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ये उस स्टेप में मसला करता है, यानी प्लेटलेट डिसफंक्शन करता है। ये बाकी कोएगुलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स पे एक्ट नहीं करता। What is the mechanism of action of low molecular weight heparin? और उसका effect कितनी देर रहता है? Ma'am, its effect, ma'am, basically because we used to stop that 48 hours before any surgery, so I think 48 hours तक रहता होगा। किसका? ये low molecular weight heparin? Yeah, नहीं नहीं ma'am, low dose aspirin का। हाँ, low dose aspirin का जो मिनिमम भी इफेक्ट जो खत्म होता है वो 48 आवर्स लगते हैं, बाद दफा तो बाद इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड लगता है। सो डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग फॉर इंडक्शन एट 37 वीक्स, तो उससे कम अज कम जो है वो उसको पहले करें, उसको 3-4 दिन पहले करें, बंद करें, ठीक है? okay. और अलबत्त लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यू कैन कंटिन्यू, यस मैम। और उसके अलावा पीटीएपीटीटी की सारी चीजें आप करोगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? 24 घंटे भी रहता है, क्योंकि इसको हम बार दफा वंस अ डे डोज में भी देते हैं, तो वंस अ डे डोज में देने का मतलब ये है कि 24 घंटे भी काम कर जाता है। तो इसलिए जो है ये इसको हम प्लैंड इंडक्शन से पहले इन एब्सेंस ऑफ एनी थ्रोम्बोसिस और इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्लेयर अप हम इसको 24 घंटे पहले बंद करेंगे। बट इफ द पेशेंट हैड सम थ्रोम्बोसिस या डीवीटी का रिस्क इस प्रेगनेंसी में, तो फिर ये आखिर तक कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा जो इसका और ये थेरापेटिक डोज में फिर जाएगा, और फिर उसके सूरत में इसको हम सिर्फ 12 घंटे पहले बंद करेंगे। लेकिन इन केस देयर इज नो थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, देयर इज नो फ्लेयर अप इन द प्रेगनेंसी, तो उस सूरत में हम इसको 24 घंटे पहले बंद करेंगे। ओके okay. जी मैम, तो इसका एंटीडोट क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन मैम, प्रोटामिन सल्फेट किसी हद तक, Yes, सिर्फ 60% में इफेक्ट होता है। yes, बाकी आपने फिर FFP या बाकी चीजों से काम चलाना होता है। अलबत्ता जो अल्ट्रा फ्रैक्शनिन हेपरिन है उसमें प्रोटामिन सल्फेट पूरी तरह से एंटीडोट के तौर पे होता है, और जाहिर है स्कार्ड की तो कोई एंटीडोट नहीं है उसमें। yes, तो आपने अकॉर्डिंगली फिर जो है वो सारा उसको करना होता है, ज्यादातर तो आप फ्रेश प्लेटलेट से फिर उसमें कर रहे होते हैं। चले जी, अब इसको आप, ये तो था जो आपका प्रोटोकॉल था फॉर बिफोर इंडक्शन, क्योंकि ये प्लान इंडक्शन थी। तो इसके बाद वंस द पेशेंट हैज डिलीवर्ड, ठीक है, अब इसमें आपने कोलैबोरेशन विद द अगेन विद द एमडीटी जिसमें न्यूनेटोलॉजिस्ट भी होगा वो भी सारी करनी है। yes, तो उसके बाद फिर आप पोस्ट
postpartum period में भी आप क्या करोगे? Yes, ma'am. In postpartum period, we will collaborate with the with her consultant and will continue her low molecular weight heparin for next six weeks. ठीक है, 6 to 12 weeks तक हम करते हैं, क्योंकि postpartum period एक ऐसा time period है जिसमें pregnancy की तरह से ही flare-ups होने के chances होते हैं. Yes, ma'am. और इसमें thrombosis बनने के भी chances होते हैं. इस वजह से आप उस time period को भी cover करते हो with the effective anticoagulation. ठीक है. Yes. और इसमें ठीक है, ये तो हो गया. अब इसमें मेरा ख्याल और तो हमने APLS contraception we will advise her that she should advise should avoid taking any estrogen containing contraception. ठीक है, यानी जो भी thrombosis को एनहेंस करने वाले contraceptives हैं उनको आप अवॉइड करोगे. लेकिन IUCDs, Myrina, ये सब चीजें हैं जो कि इसमें दी जा सकती हैं. Yes. अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है हमने ये APLS को और SLE को इन कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया है. इसमें थोड़ा सा जो रोल है आ जाता है इम्यूनोसप्रेसिव्स का. इम्यूनोसप्रेसिव्स का होता है कि ये जो बहुत रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, यानी वो वाले रेजिस्टेंट केसेस जो के जिनमें फ्लेयर अप्स फिर भी हो गया बावजूद इसके कि आपने इसको HCQ भी दिया, इसके बावजूद कि आपने इसको स्टीरॉइड्स पे भी डाल के फिर भी रेजिस्टेंट केसेस हो गए, तो वहां पे फिर रोल ऑफ जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं वो आ जाते हैं. और रोल ऑफ जो इम्यूनोसप्रेसिव विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी आर व्हाट, अगर आपको देने भी पड़े तो? इम्यूनोसप्रेसिव वो हैं ये आपके जो साइक्लोस्पोरिन, सॉरी एजोथायप्रिन और टैक्रोलिमस. जो कि अमूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी अमूमन हम देते हैं. टैक्रोलिमस तो खास तौर पे दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी. तो उस पेशेंट में जो कि रिफ्रैक्टरी हो टू द अदर ट्रीटमेंट जो हमने अब तक उसको दी और उसमें उसके बावजूद फ्लेयर अप हो गया, इधर द रीनल फ्लेयर अप्स या फिर उसमें जो है वो हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन होगी, ऐसा 10% केसेस में हो जाता है कि उसके बावजूद भी है जो सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए, तो उस सूरत में फिर रोल ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आ जाता है एजोथायप्रिन और टैक्रोलिमस. ठीक है, अब जो बाकी साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट और बाकी सब चीजें हैं ये बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड. लेकिन बाज दफा हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसन भी देनी पड़ जाती है और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसन वो हैं जो कि हम फिर मेटर्नल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में देते हैं, मेटर्नल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में, तो उसमें साइक्लोफॉस्फामाइड और ये आ जाती हैं, ये दूसरी मेथोट्रेक्सेट वगैरह. ठीक है, तो ये हैं जो कि उस सूरत में हम देंगे. अच्छा, जहां तक रोल ऑफ आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसमें भी किसी हद तक रिफ्रैक्टरी जो है उसमें SLE में आ जाता है, लेकिन खास तौर पे इसका रोल आता है जहां पे द पेशेंट इज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव फॉर एंटी आरओ पॉजिटिव, जहां पे के इसके होने के चांसेस है एंटी LA और एंटी आरओ पॉजिटिव, तो उसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एंटीसिपेशन होती है फॉर द फीटल कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक्स, तो वहां पे आप फिर IV जो है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन आप दे रहे हो, उसका रोल ये फिर वो तकरीबन मंथली बेसिस पे देते हैं जिसमें 2 ग्राम पर kg पर डे बॉडी वेट के हिसाब से और वो महीने में एक दफा आप देते, जो कि उसका जो उसका इफेक्ट है एंटीबॉडीज का वो फीटल हार्ट के ऊपर उसको ब्लॉक कर देते. मैडम एक क्वेश्चन होता है मल्टीपल जगह पे कि मेथोट्रेक्सेट का क्या साइड इफेक्ट होता है, हम काइंडली ये बता दें. देखो मेथोट्रेक्सेट जो है ना वो एंटीफोलिनिक एसिड है. ठीक है, एंटीफोलिनिक एसिड एंड यू ऑल नो दैट हाउ मच फोलिक एसिड इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सारी चीजें जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर की डेवलपमेंट है उस पे. तो ये इसी वजह से ये टेराटोजेनिक भी होता है. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. तो मेथोट्रेक्सेट पे अगर पेशेंट हो तो उसको कम अज कम 3 महीने पहले बंद करना पड़ता है. इसी तरह से दूसरी साइक्लोफॉस्फामाइड तो वैसे भी ओवेरियन रिजर्व को बहुत कम कर देती है, तो इस वजह से ये वो सारी मेडिसिन हैं जिनको हमें बहुत सोच समझ के, ओनली फॉर वेरी सीवियर इंडिकेशंस. ऐसा नहीं है कि हम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते,
कर सकते हैं बट फॉर वेरी एसेंशियल इंडिकेशन, नॉट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट. ठीक है, चलें जी. अब इसमें और कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका या कोई क्वेरी रह गई हो? और मेरे एपीएलएस में भी कोई अब इसमें एम्बिग्विटी तो नहीं रहेगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं, इम्पोर्टेंट चीजें. बाकी पैथोजेनेसिस वो सब चीजें वो हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम. मैम इस दफा एग्जाम में आया था ना एसएलई पे एक स्टेशन. अच्छा, उसमें हाँ इसी तरह थी. ग्रेविडा 2 थी पेशेंट, पैरा 1+0, 16 वीक प्रेगनेंसी के साथ थी और उसे जो है ये मैलेज, फीवर और बॉडी एक्स के साथ थी ना, ये कंप्लेंट्स थी. तो उसमें जो है आपको जो हाँ मैनेजमेंट हिस्ट्री लेके और फिर मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट के साथ आपको डिस्कस करनी है, मीन्स उसमें हम काउंसलिंग भी करेंगे. और ये तो मैम उसमें मैंने तो मतलब वो पेशेंट कह रही थी कि जो है मैंने कोई भी एक विजिट नहीं किया ना इसका क्या नाम है एंटीनेटल, कुछ पता हो कि एसएलई वाज शी अ नॉन केस ऑफ एसएलई या आपको उस वक्त डायग्नोज हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद? नहीं मैम, नॉन केस नहीं था. नहीं नॉन केस. 16 वीक प्रेगनेंसी और विद कंप्लेन ऑफ बॉडी एक्स, मैलेस, फीवर. ठीक है, कह रही थी कि मैं ऑन एंड ऑफ हाफ फीवर के लिए दवाई ले लेती हूँ और कोई मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, कोई एंटीनेटल विजिट नहीं किया और मतलब उसे कुछ पता ही नहीं था. तो वो हमें मतलब डिग आउट करना था कि डायग्नोसिस उसका बनाना था कि एसएलई है या क्या है. तो मैंने प्रीवियस उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या थी जो पैरा 1 थी? एक एबॉर्शन हुआ था बस, ये स्पॉन्टेनियस कह रही थी बस, उसका कोई पता ही नहीं था. एक एबॉर्शन तो जाहिर है एक इंसिडेंटल जस्ट स्पोरेडिक भी हो सकती है. तो उसमें जो एक अगर वो उसमें ये होता है कि अगर लेस देन 10 वीक्स है तो उसमें और बहुत सारी कॉजेज आ जाती हैं, जिसमें जो बैलेंस ट्रांसलोकेशन हैं या एन यूप्लॉइडीज वाली चीजें हैं वो ज्यादातर फिर उसमें 70% में तो वही रिस्क होता है. तो इसलिए लेस देन 10 वीक्स अगर एबॉर्शन हुई हो तो उस पर हम अमूमन एपीएलएस की स्क्रीनिंग जस्ट फॉर वन एबॉर्शन हम नहीं करते. तो उसमें लेकिन पेशेंट के एग्जामिनेशन फाइंडिंग कुछ तो होंगी. बार दफा क्लिनिकल मार्कर्स होते हैं एसएलई के, जैसे बटरफ्लाई रैश होता है या उस तरह से कुटेनियस मैनिफेस्टेशंस होती हैं और इस तरह की पेशेंट की. वो हिस्ट्री में पूछा था, वो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मतलब ऐसी नहीं दे रही थी और कोई इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करवाई. तो प्रीवियस वन एबॉर्शन जो है, अब देखो प्रीवियस वन एक एबॉर्शन पे अमूमन एपीएलएस की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे होते, नॉट फॉर एनी ऑटोइम्यून डिजीज एज वेल. मोर देन टेन वीक्स भी अगर कम अज कम दो एबॉर्शन हो तो जाके हम करते हैं. लेकिन अगर एक इंसिडेंट हो जाए आईयूडी का, एक इंसिडेंट हो जाए प्रीटर्म बर्थ का जिसमें और कोई वजह नहीं थी, यानी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी नहीं है या कोई यूटर्न मैलफॉर्मेशन नहीं है, तो उस क्योंकि अप टू 10-30% केसेस भी उसमें ऑटोइम्यून फिर कॉजेज आ जाती हैं. या एक इंसिडेंट हो जाए स्वेयर आईयूजीआर का विद हाइपोटेंशन, सॉरी हाइपरटेंशन, तो उसमें फिर इंडिकेशन बन जाती है एपीएलएस की स्क्रीनिंग की. और अगर एपीएलएस पॉजिटिव आ जाता है आपका अमूमन जो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट और एसीएल आप करवा रहे होते हैं, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन भी आप तो टेस्ट उसमें शामिल होता है, तो लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन दो की ही ज्यादा है. तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है देन ऑल्सो स्क्रीन फॉर एएनए, क्योंकि ये 35-40% में तो ये को एग्जिस्ट करता है विद एसएलई, खास तौर पे अगर पेशेंट मलेज और फीवर के साथ है. तो इसलिए जो है वो ये थोड़ा सा ट्रिकी केस इसलिए था कि इसमें सिर्फ एक एबॉर्शन है. लेकिन इसमें इसके साथ साथ जो है वो अगर एग्जामिनेशन पे आप फाइंडिंग पूछें कि कोई मेलर रैश है या कुछ और पेशेंट पे सब चीजें, तो शायद आपको उससे कुछ अंदाजा हो जाए. या फिर ये भी होता है कि आप जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसमें सीबीसी पे अनीमिया भी आ जाए फॉर अन नॉन पैथोलॉजी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी आ जाए और उसमें ये सारी चीजें हों तो भी वो एक इंडिकेटर बन, और ल्यूकोपेनिया भी आ जाए, यानी ये चीजें भी सारी कम हो ऑन सीबीसी.
तो भी ये इंडिकेट करता है कि मे बी सम ऑटोइम्यून प्रोसेस, जो कि फिर SLE की तरफ आप ANA तो कम से कम करवा ही लेते हैं, ANA और उसके बाद एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये चीजें दो चीजें हैं जो मिनिमम आप करवाते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो जाहिर है आप ऑन द फर्स्ट एंड नहीं करवा रहे होते, ठीक है? ठीक है मैम। तो इसमें इसमें वैसे और आपका कैसे बना था? हम पहले भी पिछला वाला क्वेश्चन जरा कर लें जी, पहले कौन से डिस्कस कर रहा था? हाँ जी, तो इसमें जो डायग्नोसिस था, डायग्नोसिस मेकिंग फिर कैसे हुई? हाँ जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैम मैंने तो पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो जॉइंट की हिस्ट्री दे रही थी। अच्छा मैम, पेशेंट जो है ना जॉइंट पेन्स की भी हिस्ट्री दे रही थी और फोटोसेंसिटिविटी की भी दे रही थी। वही मैं कह रही हूँ कि उसमें चीजें मिल जाती हैं। हाँ, बस मैंने उसको केस को इस तरह लिया कि मैं मतलब ये आई विल इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम और जो है फिजिशियन विल इन्वेस्टिगेट हर अकॉर्डिंग टू दीज साइन सिम्टम्स और फिर हम उसको लेंगे और प्रेगनेंसी को भी साथ में साथ लेके चलेंगे और मतलब उसको टर्म तक लेंगे अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल। हाँ, MDT तो होता ही है, लेकिन आपके जहन में डायग्नोसिस क्या बना अगर उसके मल्टीपल ज्वाइंट पेन्स है? ऐसे ही बना, स्मॉल एंड बिग ज्वाइंट दोनों, ठीक है ना? अब सिर्फ बिग ज्वाइंट हो उनकी पैथोलॉजी और है, स्मॉल सिर्फ खाली स्मॉल ज्वाइंट हो उनकी पैथोलॉजी कुछ और है, लेकिन अगर सारे ही हो तो फिर वो ऑटो इम्यून में आ जाता है। जी, तो इसलिए जो है वो फिर इसको मलेस फीवर के साथ फिर आपका SLE की तरफ सीधा सीधा चला जाना चाहिए, क्योंकि MDT करते करते इसके बाकी टेस्ट करते करते आप इसमें हो सकता है टाइम इतना गुजर जाए। शी इज एट 16 वीक्स विद द प्रीवियस अबॉर्शन, तो आपने जो ट्रीटमेंट शुरू करनी है वो अभी के भी शुरू करनी है। सही, ठीक है, आपके पास इतना टाइम उसमें नहीं होगा कि आप इसको लिंगर ऑन करें, तो इसलिए इसकी इसकी हिस्ट्री वाज सजेस्टिव ऑफ SLE। वही मैं बता रही थी कि हिस्ट्री या एग्जामिनेशन पे कुछ ना कुछ चीजें जरूर ऐसी होती हैं जो SLE की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अगर ये मलेस फीवर ना होता, जॉइंट पेन ना होती, तो फिर तो आपको इसमें ऑटो इम्यून वाली चीज बनती भी नहीं है और इसमें APLS की स्क्रीनिंग की वजह भी नहीं बनती, ठीक है? क्योंकि 10 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन है, तो कम से कम 2-3 अबॉर्शन होंगी तो कोई इंडिकेशन बनेगी ना APLS की स्क्रीनिंग की। चलें जी, अब और कोई क्वेश्चन है तो करके फिर हम खत्म करें इसको। मैडम 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 मुझे ये पूछना है कि एक सिनेरियो आया था, एक पेशेंट थी, उसकी 2-3 मिसकैरेजेस थे और 2 प्रीटर्म डिलीवरीज और एक 34 वीक्स पे उसका IUD था और वो कजिन मैरिज थी, तो उसका जो है वो एप्ला का वर्कअप हुआ तो उसमें जो एंटीबॉडीज थी IgG IgM वो दोनों का लेवल जो मुझे एग्जामिनर ने बताया वो 40-40 था, तो वो पेशेंट आई थी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, तो अब मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कैसे करूं। मैंने MDT टीम इन्वॉल्व की, लेकिन फिर मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आप इसको जो है ना वो कैसे लेके चलेंगी, तो वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो काइंडली आप ये मुझे लेवल बता दें। देखो जो इवन हम जो ये जो HCQ की आज बात कर रहे थे ना, ये SLE के रेफरेंस में, ये HCQ आप इवन APLS में भी दे सकते, ठीक है? ये APLS में भी इंडिकेटेड है इन सम केसेस, बट इनिशियली नाउ एज शी इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ APLS पॉजिटिव और उसकी सारी हिस्ट्री सजेस्टिव भी है, तो अभी अभी जो है इवन इन द प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड यू विल स्टार्ट विद द एस्कार्ट और उसके साथ साथ इसको आपने स्टीरॉइड्स पे डाल देना, ठीक है? स्टीरॉइड, ये दो चीजें होंगी जो अभी प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड में शुरू होंगी। उसके बाद वंस शी बिकम प्रेगनेंट तो फिर उसके साथ आपने लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन एड कर देनी, ये होगा इसका जो इसकी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इसको आपने उसको रीअसेस करना है फिर आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को रोकते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन मिनिमाइज हो जाती है, तो ये आपने रीअसेस करना है इसके लेवल्स, और फिर जब लेस देन 40 होंगे फिर देन यू विल अलाउ द पेशेंट टू बिकम प्रेगनेंट, और क्योंकि लेस देन 40 का फिर रिस्क कम हो जाता है, लेकिन शी विल कंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड शी विल हैव एन एडिड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इन थेरापेटिक डोजेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी वंस द कार्डियक एक्टिविटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है?
तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा जी। और कोई क्वेश्चन तो फिर हम इसको स्टॉप करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, अगर एक पेशेंट 16 वीक्स पे हमारे पास आ रही है तो उसमें एस्कार्ड और हेपरिन स्टार्ट करने का क्राइटेरिया फिर क्या होगा 16-17 वीक्स पे हमारे पास अगर आ रही है? एस्कार्ड तो हम शुरू कर देंगे, यानी लो डोज हेपरिन, ये जो एस्पिरिन है वो तो हमने शुरू कर देनी है अभी 16 वीक्स पे, 20 वीक्स से पहले पहले किसी भी टाइम पीरियड पे कर सकते हैं। तो आइडियल टाइम अगर पेशेंट प्री डायग्नोज नहीं है तो आइडियल टाइम ये है कि हम इसको 10-12 वीक्स पे करते हैं, तो 16 वीक्स पे भी कर सकते हैं। जहां तक लो मॉलिक्यूलर हेपरिन का ताल्लुक है, अगर उसकी कोई, ये इसमें तो खैर इंडिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फर्ज किया अगर अगर पेशेंट हमारे पास 24 वीक्स पे आ जाता है विद द इफेक्टेड डॉपलर फ्लो, या यूट्राइन आर्टरी डॉपलर उसके रेस्ड हैं या अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर रेस्ड आगे लेटर ऑन, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप जेस्टेशन में, प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे शुरू करो उसका इफेक्ट हो जाता है। अलबत्ता एस्पिरिन का इफेक्ट 20 हफ्ते के बाद नहीं होता, इसलिए हम इसको 20 हफ्ते से पहले किसी भी टाइम पे शुरू कर सकते हैं। और ये तो केस ऐसा था जिसमें कि ऑलरेडी इसका मतलब प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड में शुरू हो जाता तो आइडियल था, वरना अब ये जो है वो उसका जो इस 16 वीक्स पे भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो भी राइट नाउ इन प्रोफाइलेक्टिक डोज, ठीक है, इन अ नॉन डायग्नोस्ड केस ऑफ एपीएलएस, ठीक है। चलें जी अब यहाँ पे हम स्टॉप करें। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या पढ़ना है? ये एक मुश्किल टॉपिक था इसलिए इसको मैंने खुद भी चूज किया कि ये थोड़े से आपके जरा हो जाए कंसेप्ट, जो बाज दफा बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसकी उसका उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। तो नेक्स्ट टाइम एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी मैम, जैसे ये केस हमने डिस्कस किया तो इस तरह का केस हम 37 पे ही डिलीवर करेंगे ना? हाँ वो डिपेंड, देखो डिपेंड करता है कि उसमें फीटल सिचुएशन कैसी चल रही है, उसके डॉपलर फ्लो कैसे चल रहे हैं। ये तो हम उसमें कोई हार्ड लाइन एक डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बता सकते कि हम हर मरीज में 37 पे करेंगे। किसी मरीज में हो सकता है हमें 34 पे भी करना पड़े, और किसी में हो सकता है हम 35-36 पे भी चले जाएं, और किसी में हो सकता है हम 37 पे चले जाएं। लेकिन अगर सब चीजें ठीक चल रही हैं तो फिर हम 38 तक क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन मैम 38 से बियॉन्ड नहीं लेके जाना क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर है। बिल्कुल हाँ, वो नहीं जाना क्योंकि अंडरलाइंग एक मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, और वैसे भी 38 वीक्स के बाद तो वैसे भी उसमें जो है वो फीटल थोड़ा सा स्टेटस भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, तो वाई टू प्रोलॉन्ग। 37 जो है वो 37-38 के दरमियान में आपने डिसाइड कर लेना होता है, प्रोवाइडेड इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके। हाँ जी, अगला टॉपिक आपने क्या करना है? इसी से रिलेटेड कोई मिलता जुलता जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं ना वो वन आफ्टर द अदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया करें, वो इसलिए कि एक आपका कंसेप्ट बना हुआ होता है और दूसरा कंसेप्ट जो है वो फिर उसी से मिलता जुलता हो तो आपको ज्यादा बेहतर नो हाउ हो जाती है। मैडम, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस इसी के साथ हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके, एवरीवन एग्रीज ऑन इट? हाँ जी, जी मैम और हम अगर इसी तरह जी मैम अगर इसके बाद फिर एक्टोपिक और इसी तरह करते रहे तो ये हम अर्ली प्रेगनेंसी शुरू में कर लेंगे मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच मैम।